दहेज हत्या के मामले में फिर से चर्चा में आई गुलाबी गैंग, सीओ पर लगा मामला समाप्त करने का आरोप। जनपद क्षेत्र के खगरेरू थाना क्षेत्र की चिराई गांव में नवंबर महीने में हुई एक दहेज हत्या के मामले को लेकर एक बार फिर गुलाबी गैंग चर्चा में आ चुकी है। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की महिलाओं ने मामले की जानकारी लेने शुक्रवार को खागर तहसील परिसर स्थित क्षेत्र अधिकारी कार्यालय में सीओ अंशुमन मिश्र से मिली, जिसके बाद गुलाबी गैंग की महिलाएं सीओ के कार्यों से असंतुष्ट नजर आई और तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की। बात करने पर गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक संगठन की अध्यक्ष हेमलता पटेल ने बताया कि खकरेरू थाना क्षेत्र के चिराई गांव में बीते साल के नवंबर माह में एक महिला की दहेज को लेकर हत्या कर दी गई थी, जिस मामले की जांच क्षेत्र अधिकारी अंशुमन मिश्र द्वारा की जा रही थी। उन्होंने बताया कि जब मामले को लेकर क्षेत्र अधिकारी से बात की गई तो क्षेत्र अधिकारी ने FIR लगाकर मामला समाप्त करने की बात कही, जिसके बाद गुलाबी गैंग क्षेत्र अधिकारी के कार्य से असंतुष्ट नजर आई और इसी को लेकर गुलाबी गैंग की महिलाओं ने तहसील परिसर के सामने नारेबाजी व हंगामा काटा। आज हम किशनपुर चिराई गांव का मामला खगरेरू थाने का था। एक दिन हम लोग वहां पे गए थे, वहां पे एक लड़की को महिला का मर्डर कर दिया गया था, उसमें सीओ साहब को जांच मिली थी। सीओ साहब से आज हम लोगों ने मुलाकात किया। सीओ साहब कह रहे हैं कि उसमें हमने FIR लगा दिया। इतनी जल्दी उन लोगों ने FIR कैसे लगा दिया? अभी 15 दिन हुआ है, 15 दिन में उन लोगों ने FIR लगा दिया। कहां से मोटी रकम पा गए होंगे? उनको ये नहीं पता कि पांच अभियुक्तों को हम छोड़ रहे हैं। 5 लोगों के नाम मुकदमे दर्ज थे और एक भी आरोपी को नहीं पकड़ा गया और पूरा मामला डिस्पोज कर दिया गया। आज हम इस बात को लेकर के SP साहब से मिलेंगे, DM साहब से मिलेंगे। जब तक उस लड़की को न्याय नहीं मिलता तब तक हम बिल्कुल धरने पे बैठ जाएंगे SP साहब से। ये CO साहब ने इस तरह का काम किया है, उस लड़की को न्याय न दे करके, उस महिला को न्याय न दे करके, उसके भाई और बाप इतनी दूर से आते हैं, एक एक पैसा बेचारे गरीबी का अपना खर्च करते हैं और CO साहब ने इस तरह बदमाशी किया है। 15 दिन में उन्होंने FIR लगाकर मामले को डिस्पोज कर दिया। ये इस तरह CO साहब को नहीं करना चाहिए, बहुत गलत हुआ है। इस तरह अगर होते रहेगा तो हत्यारों को आरोपियों को हौसले बुलंद होते रहेंगे और इसी तरह लड़कियों को मारते रहेंगे, जलाते रहेंगे और कुचलते रहेंगे, फेंकते रहेंगे। इस मामले में हम शांत बैठने वाले नहीं है। अभी हम SP साहब के यहाँ जा रहे हैं, फिर DM साहब से मुलाकात करेंगे, CO साहब की हम दोबारा जांच करवाएंगे इस मामले की। जब तक उसकी दोबारा जांच नहीं होगी, सही से उस लड़की को न्याय नहीं मिलता, तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं है।